नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल के एक और नई वीडियो में। मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और चंडीगढ़ से हम जा रहे हैं सोलन से राजगढ़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल का एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और चंडीगढ़ से राजगढ़ की जो दूरी रहने वाली है वो 120 किलोमीटर रहने वाली है, और जो सोलन है वो चंडीगढ़ से अराउंड 40 या 50 किलोमीटर के अराउंड रहता है वो। और इस बार हमारे साथ फिर से, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, तो आचार्य प्रद्युमन जी हमारे साथ पिछली बार भी जुड़े थे, तो इस बार भी ये जुड़े हुए। सो आचार्य प्रद्युमन जी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आशा है सभी लोग ठीक होंगे, आपके सब्सक्राइबर लोग आनंद में होंगे और अपने जीवन को सुंदर तरीके से यापन कर रहे होंगे जी। जी जी जी, बहुत दिनों के बाद आज आप हमारे पास आए, आपने दर्शन दिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। राजगढ़ अगर आप सभी ने अगर जाना है, वैसे तो राजगढ़ एक हिडन जेम है हिमाचल प्रदेश का, और लोगों को ज़्यादातर ऐसी जगहों के बारे में पता नहीं है, बट मैं आपको बताऊं तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही सुंदर जगह है राजगढ़। और अगर आपको नहीं पता हो तो आपको गूगल करिए, राजगढ़ के बारे में जानिए और वहाँ पर आप विजिट करिए एक बार। वहाँ पर कैंपिंग साइट्स हैं, और आप क्या बता रहे थे कौन सी जगह है वहाँ पर जहाँ पर स्नोफॉल होती है? हाँ जी, अगर आप वहाँ हब्बन की तरफ जाएंगे, राजगढ़ से आगे एक रास्ता जाता है जहाँ हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ, वहीं से आगे 10-12 किलोमीटर आगे हब्बन जगह है जहाँ पे बहुत ही सुंदर, मतलब अद्भुत नज़ारा होता है। वहाँ पे बहुत से लोगों ने बल्कि अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, तो जब गर्मियाँ होती तो वहाँ पे आते हैं वो लोग। तो वाकई में एक स्वर्ग है। अभी बस हम शिमला और राजमार्ग लेंगे और वहाँ से सोलन होते हुए राजगढ़ के लिए जाएंगे। राजगढ़ जो है वो एक नगर पंचायत है अपने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, और मीन्स यहाँ पर हमेशा मतलब पुराने टाइम में राजाओं का राज रहा करता था, जिस कारण से ये मतलब काफ़ी मतलब फेमस भी है हिमाचल के अंदर, और टूरिस्ट भी काफ़ी इधर मतलब हर साल आते हैं घूमने के लिए। सो दोस्तों, अभी चंडीगढ़ से हम पंचकुला वाली साइड जा रहे हैं, और पंचकुला से फिर आगे एक रास्ता मोरनी वाली साइड चला जाता है। मोरनी, जैसे कि आपको पता होगा, तो एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है हरियाणा का। चंडीगढ़ शिमला हाईवे के ऊपर ये पहला टोल आता है। इस टोल का वन वे फेयर जो है वो कितना रहता है? 40 रुपीस आपका वन साइड का रहेगा। अगर फास्टैग नहीं है तो फिर तो वो आपको पता ही कि गवर्नमेंट के बनाए हुए बेकार रूल कि आपको फिर फाइन देना पड़ता है प्लस। तो ये है शिमला चंडीगढ़ हाईवे का पहला क्या बोल रहे हैं जरूर जी, हम तो किसी गाड़ी में से पीछे लगाएं दूसरी से, नहीं तो एकदम चिपका के लगाएंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, दूसरी गाड़ी निकल जाएगी आगे। देखिए तो चंडीगढ़ से शिमला जाते हुए एक बहुत ही सुंदर टाउन है कालका, जो कि रास्ते में पड़ता है। और कालका के बारे में आपको बता दूं तो कालका हरियाणा के अंदर आता है, जो कि बिल्कुल हिमाचल के साथ सटा हुआ है। और कालका अपनी हेरिटेज ट्रेन जो कि कालका शिमला वाली है उसके लिए काफी फेमस है। क्या बात है, मार्केट है पिंजोर की, ईशानगर मार्केट। यहाँ पर हमें कुछ काम था तो अभी हम थोड़ा सा आउटकट में आए हैं। यहाँ पर हमें किसी से मिलना है और कुछ सामान लेना, उसके बाद फिर से हम अपने सफ़र की तरफ निकल पड़ेंगे। रोड बहुत ख़राब है लेकिन यहाँ के मंदिर दिखेगा बहुत पहाड़ा है, यहाँ जो ऐसे छोटे छोटे आउटकट्स में विलेज होते हैं पहाड़ों के अंदर वो बहुत ही सुंदर होते हैं। आप देखिए राजगढ़ जो है वो मैप में तो 2 घंटे 46 मिनट दिखा रहा है, बट अभी जो चंडीगढ़ शिमला वाला रोड है ना, यकीन मानिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इधर ड्राइव करने के लिए और सफ़र करने के लिए। और जैसे ही हम चंडीगढ़ से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड आते हैं तो आप देखिए इस तरह से जो पहाड़ हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, और पहाड़ों के ऊपर इस वक्त वेदर मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रखा है, क्योंकि क्लाउडी क्लाउडी लग रहा है मेरे को पूरा। और यहाँ से एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसी रोड पे, इसी हाईवे पे आगे जाके एक धर्म कोट नाम की जगह आती है, जहाँ से एक और हिल एरिया है और बहुत ही सुंदर हिल एरिया का रोड जो है वो डाइवर्ट होता है, और उसका नाम है कसोली।
चंडीगढ़ से मात्र 65 किलोमीटर दूर ये लोकेटेड है और एकदम टॉप पर है। और अगर आपने सनराइज या सनसेट देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो कसौली से बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। और कसौली जो कि अगर वेदर क्लियर हो तो हम चंडीगढ़ से भी कसौली की जो लाइट्स हैं कसौली को डायरेक्ट देख सकते हैं। और कसौली से जो व्यू आता है डाउन का, मतलब चंडीगढ़ वाली साइड का जो आप व्यू देखोगे बहुत ही मस्त व्यू आता है। अगर आपने व्यू देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो एक बार आप कसौली जाइए और कसौली के बारे में सर्च करिए। और कसौली बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है पूरे हिमाचल प्रदेश के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पैदल कितना मस्त लग रहा है। अभी तो हम धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम हिमाचल में इंटर कर चुके हैं। पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो हो रही थी हरियाणा पंचकुला वाली साइड की। और यहाँ से एक और छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि है परवाणू। रोड अच्छा है और सफ़र करने का मज़ा भी आता है। पहले ये एक सिंगल ही होता था बट अभी देखिए कितना सुंदर रोड बन गया है। बट कहीं कहीं ऐसे लैंडस्लाइड रहते हैं जिस कारण से पैचेस जो हैं आपको ख़राब मिल सकते हैं। अभी परमाणु में ना जो ये टोल है ये है स्टेट गवर्नमेंट का टोल। अगर आपकी एचपी की गाड़ी है तो आपका टोल नहीं लगने वाला, बाकी स्टेट की सभी गाड़ियों का यहाँ पर टोल लगेगा। और टोल अराउंड 45 या 50 रुपीस ही होगा, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता। तो ऊपर वाली साइड जो घर है देखो कितना क्राउड एरिया, कितना मस्त दिख रहा है। और इस साइड तो मतलब अल्टीमेटली व्यू है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस चले ही जाए वहां पर, लेकिन एक दिन जरूर जाएंगे इसको भी एक्सप्लोर करने। अभी वो समय आया नहीं है। बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही ज्यादा। हिमाचल के जो मोस्टली पार्ट है वो मतलब आपको ग्रीनरी दिखेगी वहां पर। ये ऊपर सारा प्रबंध है। आपको इस रोड के ऊपर ना साइड में बहुत सारे ढाबास मिल जाएंगे जहाँ पर आपको हर तरह का क्यूजन खाने के लिए मिल जाएगा। बहुत मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा ढाबा है यहाँ पर, तो खाने पीने की टेंशन तो यहाँ पर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और व्यू भी इतना अच्छा है कि देख कर दिल ही खुश हो जाता है। अभी आपको वो ऊपर वाली जगह दिखाता हूँ मैं, ये है कसौली वाली साइड जो ये ऊपर आपको दिख रहा है टॉप पे, अभी आगे से दिखेगा। ये एरिया देख के ऐसा लग रहा है कि फॉरन में ही सफर कर रहे हैं। अच्छा बन रही है, यहाँ पर पैच खराब है, डाइवर्ट कर दिया। पैच खराब होने से होटलों को फर्क पड़ता बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा, गाड़ी नहीं होती तो फिर आदमी वही देखता था गाड़ी लग जाएगा। अब एक और टोल प्लाजा आ रहा है यहाँ पर 500 मीटर दूरी। और ये शिमला में जाते हुए कितने आते हैं, इसके आगे शिमला सोलन के आगे भी होगा बट सोलन जाते हुए तो दो ही हैं। ये सोलन हिमाचल का स्टेट का और एक इनका नेशनल हाईवे वालों, तो जो पीछे पंचकुला में आया था वो उनका था, मतलब पंचकुला वालों का था वो नेशनल हाईवे का। ये तो इधर शिमला जाते हुए कितने आएंगे, सिर्फ एक ही आएगा। ये नेशनल हाईवे 5 पे है अभी हम। अच्छा नेशनल हाईवे 5 पे है, ये सामने क्या बात हो रही है। अभी देखिए आगे कुछ लग रहा है हमें कि कुछ हुआ है, गाड़ी ठोक दी है किसी ने और इधर एक्सीडेंट हो गया है हरियाणा राज्य परिवहन निगम के बीच में। तो ये छोटा मोटा एक्सीडेंट चले ही रहते हैं। तो एक ये टोल आ गया, ये धर्मपुर में पड़ता है और यहाँ पर सिंगल एंट्री आई थिंक 100 रुपीस तक है। ये थोड़ा टोल महंगा है, इतनी सुविधा मिल रही है रोड फास्ट पहुँचने की सब, तो फिर इतना तो
लेकिन ये टोल पता नहीं अब कितने साल तक चलते रहेंगे। गाड़ी पीछे रखो अपने, क्योंकि एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि हमने गाड़ी आगे रखी थी, टोल हमारा कट गया और वो गाड़ी वो चली गई, कटा उसका 70 रुपए। अच्छा 70 रुपए है यहाँ पर टोल, 70 रुपए है सिंगल एंट्री, अगर फास्टैग नहीं है तो 140 रुपीज लगेंगे। सो अभी हम धर्मपुर एंटर कर चुके हैं, यहाँ से रोड जाएगा डाइवर्ट होके सीधा कसौली वाली साइड, और अगर आपने ओल्ड कसौली रोड से जाना है तो फिर वो आपको परवानू वाली साइड से आपको जाना पड़ेगा। ₹75 चल रहा है। सो ये जो जगह है ये है कुमार हट्टी, बहुत से एक्टर्स को देखा होगा आप लोगों ने यहाँ पे कुछ खाते पीते हुए, वीडियोस आती रहती हैं उनकी। अच्छा अच्छा, ये फेमस है मतलब अपने ढाबा डुबाओं के लिए जगह। टाउन है भी, माउंटेन के ऊपर ही लोकेटेड है पूरा ही। देखिए घर किस तरह से बढ़िया बढ़िया बनाए हुए लोगों ने, ब्रोक सोलन नाहन के लिए कटता है यहाँ से रास्ता। अच्छा अच्छा, अब हमने कहाँ से जाना है? हमने तो जाना है यहाँ ऊपर को, इसमें बंद कर रखा है रोड में। अच्छा अच्छा, अब हम नीचे से जाएंगे। तो ये रोड जिसका डर था वही हुआ आखिरकार, यहाँ पर भी लाइन स्लाइड हुई है जिस कारण से चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे क्लोज है, बंद है। अब यहाँ पर हमें उस रोड पे जाना पड़ेगा। सो अभी रास्ते में जो कि NH चंडीगढ़ शिमला वाला था उधर लाइन स्लाइड हो गई और वो टोटली बंद है। सो सोलन तो अब जा नहीं पाएंगे हम, अभी हमें मतलब कुमार हट्टी से एक कौन सा रोड है, सुलनी यूनिवर्सिटी वाले रोड के ऊपर से अब हम जाएंगे राजगढ़। सो देखो जो लिखा हुआ है वो तो हो गई। सो ये कुमार हट्टी से एक और रोड कट गया है, अब यहाँ से हम राजगढ़ जाएंगे। शुल्ली यूनिवर्सिटी जो सोलन के अंदर है, ये वैसे बोलते हैं कि इंडिया की नंबर वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और सोलनी का कैंपस। अब यहाँ पर ना एक्चुअली पूरा हिली एरिया है तो छुप जाती है चीज़ें, तो इस साइड है वो कैंपस ऊपर वाली साइड, साइड ऊपर हॉस्टल है इस साइड ऊपर, देखो दिख रहा होगा आपको, आपको इंडिया ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टूडेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। शिव मार्केट, और ये उस साइड ऊपर भी पूरा हॉस्टल बना रखा है, और बहुत ही मतलब यकीन मानिए इंडिया की, मेरे को लगता है कि बहुत ही खूबसूरत के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यूनिवर्सिटी जो है वो यही होगी, क्योंकि अराउंड चारों तरफ ये पहाड़ों के साथ घिरा हुआ है, चील के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, जो कि और ज़्यादा सुंदरता मतलब इन्हेंस कर देते हैं। सो देखिए ये स्टूडेंट के ही पार्किंग एरिया लग रहा है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट खाने पीने के छोटे छोटे काउंटर्स भी काफ़ी बनाए हैं। तो ये देखिए जैसे मैं बात कर रहा था, तो इन महाशय द्वारा ये यूनिवर्सिटी जो चलाई जाती है, शुल्ली यूनिवर्सिटी देश में नंबर वन ऐसा इनका मानना है। बाकी आप बता सकते हैं मुझे कि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट कौन सी है?
अभी हम पता नहीं कौन से गांव में आ चुके हैं, सोलन के आगे वैसे तो, और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है राजगढ़ रोड पे है। देखो बचपन में ऐसे झूले झूलते थे, बड़ा मजा आता था। अभी तो चलो समय नहीं मिलता। जलेबियां भी हैं, जलेबी खानी है आपने? नहीं, रोटी खाते हैं यार, गाड़ी लगानी पड़ेगी साइड में, और गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं इधर, रोड भी छोटा है और उसी के ऊपर इन्होंने मेला लगा रखा है। मोबाइल कवर ही कवर, अभी हम मोबाइल की दुकानों से आए, हब मोबाइल के हब से बाइसेक्टर, जो कि मोबाइल के लिए फेमस है, 22P। हमें कोई होम स्टे दिख रहा है, अब यहाँ पर हम करेंगे अपना लंच। एरिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दुनिया से बेखबर एकदम आराम से सो रहा है। गाड़ी लगा दी, अभी रास्ते में हम एक जगह रुके हैं राजगढ़ की, एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर दो खाने की प्लेट लगाई है, हम देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। मतलब खाने के लिए रुक गए अभी हम रास्ते में, तो सुबह से चले हुए थे, अभी भूख भी लग पड़ी थी क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हुआ था। कुछ शाकाहारी हम ढूंढ रहे थे, वैसे स्थान मिला है और एकदम मतलब जैसे ही टेस्ट होने वाला है, देखते हैं वैसे। तो दोस्तों यकीन मानिए कि जिस रेस्टोरेंट के ऊपर हम रुके हुए थे, जो एक्चुअली छोटा सा एक होम स्टे टाइप का था, और स्टूडेंट मतलब क्योंकि स्टूडेंट एरिया है ये, तो वहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी आते हैं अपना लंच और डिनर करने के लिए, बट आप यकीन मानिए इससे ज़्यादा टेस्टी खाना मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी ढाबे पर नहीं खाया है। आपको कैसा लगा था? बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया होटल लोगों ने। इन्होंने जो चावल बनाए थे ना, मेरे को चावल बड़े टेस्टी लग रहे थे, देसी चावल। बात हमें ये लगी, जैसे हम खाना खाने बैठे हैं तो एकदम से रोटियां नहीं फेंकी उन्होंने, मेरे को गर्म गर्म खिलाया, अब देखते रहे कि अभी रोटियां खत्म हो रही है अब देना, और उन्होंने दूसरे लोगों को तब तक ऑर्डर नहीं दिया जब तक हम संतुष्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं कि उनको बिठा दिया रोटी खिलाने और उनको दूसरों को भी दे रहे और हम परेशान हो रहे हैं, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जैसे थी। और क्या मतलब घर में बैठ के रोटी खा रहे हैं, ऐसा मजा आ रहा था। जैसे कि दूसरे ढाबों के अंदर क्या होता है कि वो तंदूरी और वो पहले की बना के रखी होती है, इधर नहीं, इधर तवा रोटी वो भी फ्रेश एकदम। ये YS परमार यूनिवर्सिटी है जी, इधर बस इसके जस्ट पीछे हम रुके थे थोड़ी सी ना। हाँ, तो अगर आपने भी अगर कभी राजगढ़ या फिर इधर आप अगर कोई देख रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है और इधर अगर रहता है, जैसे YS परमार वाली साइड, सोलनी वाली साइड भी अगर है, तो प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा इस होम स्टे या इस रेस्टोरेंट के पास आइए, एक बार खाना ट्राई करिए और यकीन मानिए आपको प्यार हो जाएगा इनके खाने से, इतना टेस्टी खाना है यार, मैंने नहीं खाया। चला जाता है नीचे यहाँ से और ये आ गया एक राजगढ़ वाला रास्ता, और नीचे का व्यू ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ही सुंदर घाटियों में पहुंच चुके हैं। ये वाला जो अभी रोड है ये थोड़ा सा नैरो है, अब सिंगल लेन में आ चुके हैं, और जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाएंगे ना वैसे वैसे व्यू भी चेंज होता जाएगा। रास्ते में रुके हुए हम और व्यू इतना अच्छा है ना, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है। और इसके ऊपर टॉप पे ना एकदम आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम ऊपर टॉप पे कोई मंदिर है यहाँ पर, और बहुत हाइट पे है मंदिर। फाइनली चंडीगढ़ से
चलते चलते 4 घंटे के बाद हम राजगढ़ पंचायत करके पहुंच चुके हैं। 12 बजे चले थे तो अभी समय हो चुका है 4:05। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ राजगढ़ में ना बहुत ज़्यादा होटल सब बन चुके हैं, क्योंकि अभी यहाँ के लोगों को भी लग रहा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए फिर रहने के लिए तो अच्छा ही, मतलब आपको बताइए कि होना चाहिए बंदोबस्त। इसीलिए यहाँ के लोग भी इन्वेस्ट करके अब होटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। हाँ, काफ़ी बड़ी मार्केट है, ओयो भी है इधर, तो होटलों की तो कमी मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रही इधर। यूके की गाड़ियाँ खड़ी उत्तराखंड दिख ही रही हमें। बातों में पता ही नहीं चला पहुंच गया, और हम क्या घर बनाए हैं लोगों ने पहाड़ों के बीच। स्वर्ग में ही आ गए अब तो। सो फाइनली पहुंच गए हम राजगढ़, जिस आश्रम में हमने आना था उस आश्रम में। सली मैंने आपको दिखाया था, ये नीचे गुरुकुल है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ट्रैक करके ऊपर है आश्रम, जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी सामान निकाल लेते हैं। ये हमने जलेबी ली थी वो भी नहीं खाई हमने, चलो ऊपर ही खाएंगे बैठ के। लैपटॉप लाया था। अच्छा चेक करने के लिए। हाँ ले लो लैपटॉप। वैदिक गुरुकुल में दोस्तों कुछ इस तरह का ये आश्रम, स्टार्टिंग में यहाँ कुछ लिखा है। नए दिन में फिर से स्वागत करता हूँ मैं। कल मतलब रात को ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाया और ना ही इस वीडियो को मैं एंड कर पाया था, तो आज अगले दिन से मैं फिर से इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आश्रम में जैसे कि पहुँच गए थे। सो ये प्रद्युमन जी हैं, सुप्रभात प्रद्युमन जी। ये ऐसा है कि अभी ये काम भी नहीं, उपयोग भी नहीं है, तो बिल्कुल बंद पड़ा है। जी 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 जी। अच्छा सारा एरिया बंद है, कमरे हैं सारे बंद है। वॉशरूम में देखा आप, बहुत पुराने हैं। जी जी जी। लग भी रहा होगा कि दो वॉशरूम। अच्छा हाँ हाँ, ये अभी है नहीं है, इसको अभी सब कुछ सही कराने का भी जा चल रहा है। अच्छा ये दूसरी सीट रखी हुई थी ना, पूरी इंडियन है वहाँ पे। जी जी। और ये कमरे अंदर, ये वॉश बेसिन है, और ये घर है किसी का, बढ़िया घर बनाया है किसी ने। पानी की व्यवस्था भी पूरी तगड़ी रखी हुई है। और ये यहाँ का व्यू है, ढक्कन। हाँ ये दूसरे वाले लगाए ना, ताकि बिल्कुल ही कभी खराब ही ना हो। ये तसला है। अच्छा तसला किया हुआ है, तसले को लगा दिए। और ये कितना मस्त एरिया है पूरा। 3:30 हुए थे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा। आश्रम की यज्ञशाला है, यहाँ पर हर दिन यज्ञ होता है। आपको देखना अब ऊपर, ये देखिए ये हैं लोगों के घर। देखिए हम इतनी हाइट में, लेकिन उसके ऊपर भी हाइट पे लोगों के घर यहाँ पर बने हुए हैं। शायद ब्लर आ रहा है लेकिन दिख जाएगा आपको। वो अभी नहा के फ्रेश हो गया हूँ मैं, और आपको रूम दिखाता हूँ जिस रूम में हम रुके हुए थे रात को आश्रम में। और आसपास तो मतलब एकदम बहुत ही शांति है इस जगह पे। ये रूम था यहाँ पर हम रात को रुके हुए थे।
ये देदार के पेड़ से, लकड़ी से जो बनाया गया है अलमारी टाइप, तो ये फ़ैन है, लेकिन इसकी ज़रूरत कभी पड़ती नहीं, मौसम यहाँ पर हमेशा ठंडा ही होता है। तो ये था इस तरह का रूम हमारा कुछ। दोस्तों कल से हम चंडीगढ़ से निकले हुए थे, जो कि राजगढ़ के लिए हम आए थे, तो समय नहीं मिल पाया यार, इतने व्यस्त हो गए, मतलब इतना हमें काम था कि चंडीगढ़ पहुंचने में है तो चंडीगढ़ पास ही यहाँ से, बट जो ये रास्ता और साथ में जो खाई है ये टाइम खा जाती है। जी जी। तकरीबन 4 घंटे लगने वाले हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि इसके अंदर आ रहा है, किलोमीटर तो कम है बट टाइम ज़्यादा बता रहा है, तकरीबन 9 बजे तक हम पहुँचेंगे और कोशिश हमारी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। आगे का एरिया देख लीजिए आप, यहाँ पर पास देने में दिक्कत आती है। चलिए फिर वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।